हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पोलमी, आपकी होस्ट इंदौर, फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए मस्त वाला वीडियो लेके। वेल फ्रेंड्स, मैं आज आई हूँ फिर से कुकरी वीडियोस लेके आप लोगों के लिए, जो कि एक नॉनवेज वीडियो है। वीडियो में और रेसिपी के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। अलॉन्ग विद दैट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वीडियोज़। तो चलिए आज देखते हैं कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में चिकन करी विद आलू। यस, चिकन करी विद आलू बहुत ही सिंपल है, सुनने में ऐसा लगेगा। जो ऑफिस में जाने वाले बंदे होते हैं, मीन्स बहुत से लड़के होते हैं जो खाना पकाते हैं, और बहुत सी लड़कियां भी होती है जो ऑफिस में काम करते हैं, अभी पीजी में रहते हैं या फिर अपना रूम रेंट लेके रह रहे हैं, तो उनको भी कुकिंग करना पड़ता है। लेकिन शॉर्ट टाइम में कैसे बनाना है बहुतों को नहीं पता होता है, और मतलब कुछ हो या ना हो, मतलब इजी वे, मोस्ट इजी वे में बनाने की कोशिश किया है मैंने इसको, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके और एज सून एज पॉसिबल आप इसको बना ले सको। तो चलिए देखते हैं चिकन करी विद आलू कैसे बनता है। तो लेट्स गो टू माय नॉर्मल चिकन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे चिकन को वॉश करके रखा हुआ है पूरा क्लीन, एंड यहाँ पे रखा हुआ चिकन करी मसाला, टमाटो चॉप्ड है आपका, ऑनियन चॉप्ड है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, चिली चॉप्ड है, यहाँ पे आपका नमक है, यहाँ पे आपका रेड चिली पाउडर है, शुगर है, हल्दी पाउडर है, आलू मैंने अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है काट के, गरम मसाला है। ये ऑप्शनल है, कोई कोई लोग देते हैं, कोई कोई नहीं देते, इसे मैंने रखा हुआ है पर मैं नहीं देती हूँ। फिर भी अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो कोरिएंडर एंड धनिया पाउडर, सॉरी कोरिएंडर पाउडर एंड क्यूमिन पाउडर, आप चाहो तो दे सकते हो, बट नॉट नेसेसरी, मैं नहीं देती हूँ, फिर भी मैंने रखा हुआ है इफ़ यू वांट। और ये इसका प्रिपरेशन हम लोग करने वाले हैं मस्टर्ड ऑयल पे, तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो पहले स्टार्ट करते हैं चिकन के मैरिनेशन से। तो उसमें मैं थोड़ा सा विनीगर ऐड करने वाली हूँ, आप तो चाहे तो लेमन का जो जूस होता है वो भी आप दे सकते हो। उसके बाद मैं इस पर सरसों का तेल दे रही हूँ, हल्दी पाउडर, नमक एज पर द टेस्ट आपको देना है समझ के, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा शुगर, चिकन मसाला और चॉप्ड ऑनियन, इसको अब अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। इसके साथ हम थोड़ा सा इस पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी दे देंगे और अच्छे से मैरिनेट करके इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स को रख दीजिए। नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, विनीगर है तो अच्छे से ये हो ही जाएगा, फिर भी कोशिश कीजिएगा रखने के लिए, अच्छा होता है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब हम लोग इस पर ऑयल दे दे रहे हैं और चिकन करी, इसे सिंपल चिकन करी एकदम प्लेन बनने वाला है, और वी विल वेट टिल द ऑयल टेक द हीट। ऑयल हीटेड हो चुके हैं, अब हम लोग इस पे ऑनियन दे लेंगे, फ्राई इट टिल गॉट ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो वेरी सिंपल एंड इजी प्रोसेस, जो बहुत मतलब ऑफिस से लौटे हो, जल्द से जल्द आपको बनाना है तो आप ये प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा आप लोगों का। नाउ वी विल ऐड द आलू,
Now we will add the tomatoes. आप चाहे तो पेस्ट करके भी दे सकते हो, ऑनियन जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड अलोंग विद दैट मिक्सचर को सब पेस्ट करके दे सकते हो। मैंने बोला कि ऑफिस जिन लोग का है मैं उनके लिए स्पेशली बना रही हूँ, तो उनके पास ना टाइम नहीं होता है, तो दिस इज द रीज़न मैंने चॉप से दिखाया है यहाँ पे। मैं एक दिन वो वाला वीडियो भी लाऊंगी अपलोड कर, देन वी विल ऐड द चिकन। आप देख सकते हो चिकन अपना वाटर रिलीज कर चुके हैं। अब हमें और थोड़ा बॉईल करना है इसको, उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है, उसके बाद इसका करी बनेगा विद हॉट वाटर। फिर से हम पहले हमने इसको 15 मिनट के लिए लीड दे दिया था, फिर से हम मोर 15 मिनट इसको लीड दे देंगे, उसके बाद ही उसको हम फ्राई। आप देख सकते हो हमारा चिकन पानी छोड़ के फ्राई भून के आ चुका है, ऑलमोस्ट सब भुना कंप्लीट हो चुका है, ऑयल ये रिलीज कर चुका है। आप ऐसे चिकन कसा भी ट्राई कर सकते हो विद चपाती एंड राइस और जीरा राइस, और एल्स आप इसमें पानी भी डाल सकते हो। मैं आज पानी डालने वाली हूँ क्योंकि चिकन करी बना रही हूँ एकदम सिंपल में। मैंने जितना ऑयल दिया उससे ज़्यादा ऑयल रिलीज हुआ है ड्यू टू विनेगर, विनेगर देने से ऑयल ज़्यादा रिलीज होता है। अब मैं इसमें कीप इन माइंड कि गर्म पानी डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, तो मैंने थोड़ा सा लुकवॉर्म वाटर ले लिया है और इसको मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा देर बॉईल करेंगे, उसके बाद गरम मसाला देके हम लोग निकाल लेंगे। आप देख सकते हो चिकन पूरा बॉईल ले चुका है। अब एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ग्रेवी रख दो, मतलब कितना मींस कड़ी आपको चाहिए उसे रख दो। तो मैं इसको थोड़ा पतला ही बना रही हूँ ताकि मींस ये हेल्दी रहे, सब कोई खा सके, थोड़ा इजेट भी कोई हो तो उनको दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही कड़ी रख रही हूँ उसमें, और बस थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ। तो इट्स फिनिश्ड, लेट्स सी द फाइनल प्रिपरेशन कैसा। तो ये था हमारा चिकन करी विद आलू। प्लीज़ लेट मी नो आ कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, जस्ट गिव अ बिग थम्स अप एंड शो योर लव इन अ कमेंट दैट हाउ मच यू विल लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑलवेज स्टे ट्यून विथ मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक इन कुकिंग वीडियोज और एनी अदर वीडियोज। चलो बाय फॉर द नाउ, बाय बाय।